इस म्यूजिक को अगर आप लोग यूज करते हो अपने वीडियोस में, अगर कॉपीराइट क्लेम देखने को मिलता है तो मैं मेरे चैनल को जो है अभी आप लोग अनसब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अगर आप लोग इसको अगर यूज करते हो तो कोई भी कॉपीराइट आप लोगों को लाइफ टाइम देखने को नहीं मिलेगा, इतना 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसे कि यार बहुत सारे लोगों का कमेंट था, मैं पढ़ के थक चुका हूं भाई, नो कॉपीराइट म्यूजिक कहां से लेते हो आप, कहां से लेते हो, जिस म्यूजिक को यूज करने के बाद आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम वगैरह का इशू जो है देखने को ना मिले। तो गाइस यार यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको बताते हैं कि भाई यहां से म्यूजिक लो, आप लोगों को कोई भी कॉपीराइट देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई यूट्यूब से आप लोगों को म्यूजिक उठाना ही नहीं है, ठीक है। वहां से म्यूजिक आप लोगों को नहीं लेना है, आज नहीं तो कल आप लोगों को कॉपीराइट क्लेम देखने को मिलेगा, नहीं तो या फिर एक साल बाद कॉपीराइट आप लोगों को इस वीडियो पर क्लेम आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को कभी भी यूट्यूब से कोई सा भी म्यूजिक आप लोगों को यूज नहीं करना है वहां से उठा के, ठीक है। तो जितने भी न्यू क्रिएटर हैं यूट्यूब के, ठीक है, उन्हें पता नहीं होगा कि भाई ये फ्री कॉपीराइट म्यूजिक कहां से मिलता है, जो कि जिसको यूज करने के बाद लाइफ टाइम जो है कोई भी कॉपीराइट क्लेम वगैरह देखने को ना मिले, ठीक है। सो आज की इस वीडियो में उसी टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन साथ में ऑन कर लेना इस तरीके के वीडियोस के लिए। सो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को जाना है क्रोम ब्राउजर पर, ठीक है। क्रोम ब्राउजर यहाँ पे देख सकते हो, मेरा क्रोम ब्राउजर आ चुका है, इसको मैं सिंपल इसे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोग भी ओपन कर लेना इस म्यूजिक को लेने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जितने सारे के सारे आप लोगों को म्यूजिक नो कॉपीराइट वाले म्यूजिक मिल जाएंगे, ठीक है। सिंपल इसे यहाँ पे आप लोग को studio.com अपने YT स्टूडियो को जो है यहाँ पे लॉगिन करना है आप लोगों, ठीक है। स्टूडियो मैं यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे देख सकते हो studio.com अपने चैनल को आप लोग यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो डेस्कटॉप साइड में, ठीक है। सिंपल इसे यहाँ पे मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इस तरीके का जो है ऑप्शन आएगा और यहाँ पे लॉगिन होगा, जैसे ही लॉगिन हो जाता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का आपके पास इंटरफेस आएगा, ठीक है। उसके बाद सिंपल इसे आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ठीक है। थोड़ा सा मैं जूम करके बताता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड के जो कॉर्नर में है वहाँ पे आप लोगों को एक लोगो दिख रहा होगा, 3 डॉट वाला ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो यूट्यूब के जस्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड में आप लोगों को एक ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल से आप लोगों को उसमें क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे इसमें आप लोग क्लिक करते हो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। पहला में डैशबोर्ड, ठीक है, कॉन्टेंट, एनालिटिक्स, कमेंट्स, ठीक है, सारे के सारे मिल जाएंगे। यहाँ पे कॉपीराइट को जो है अर्न वाले सेक्शन, वहाँ पे कस्टमाइजेशन, ये भी मिल जाएगा। लास्ट में, सबसे लास्ट में आप लोगों को एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऑडियो लाइब्रेरी, ठीक है। तो सिंपल इसमें कुछ नहीं करना है, आप लोगों को इसी में जस्ट क्लिक कर देना है। जैसे आप लोग इसमें क्लिक करते हो और सारे के सारे म्यूजिक आ जाएंगे जो कि नो कॉपीराइट है, इसे यूट्यूब खुद प्रोवाइड कराता है, यूट्यूब खुद देता है कि भाई इस म्यूजिक को यूज करो, आप लोग लाइफ टाइम आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो जितने सारे भी म्यूजिक आप लोगों को यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे के सारे नो कॉपीराइट है। अगर इन सारे म्यूजिक को अगर आप लोग यूज करते हो आपकी वीडियोस में तो कभी भी आप लोगों को कॉपीराइट क्लेम देखने को नहीं मिलेगा आपके चैनल्स पर। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ और एक ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। जिस तरीके का आप लोग म्यूजिक लेना चाहते हो, चाहे ब्लॉग का हो, चाहे टैग का हो, चाहे गेमिंग, जिस तरीके का आप लोग का चैनल है, जिस कैटेगरी का, ठीक है, उस तरीके का आप लोग म्यूजिक यूज कर सकते हो और यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। डाउनलोड किस तरीके से करना है और लेना कैसे है वो सारा चीज मैं आप लोग बताऊंगा, ठीक है। सिंपल से यहाँ पे मैं इसको क्रॉस कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा जूम करता हूँ मैं और यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये ऑप्शन देखो, सर्च फिल्टर लाइब्रेरी, ठीक है। सिंपल से आप लोग इसमें क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे जिस भी टॉपिक पर अगर आप लोगों को चाहिए म्यूजिक, ठीक है, उस टॉपिक को यहाँ पे लिख लेना। जैसे कि मुझे चाहिए गेमिंग का, ठीक है, यहाँ पे मैं GAMING, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने गेमिंग लिख लिया, उसके बाद यहाँ पे मुझे सर्च कर लेना। जैसे यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ जितने भी गेमिंग के बैकग्राउंड म्यूजिक है वो सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे और इससे आप लोग डाउनलोड करके अपने वीडियोस में यूज कर सकते हो, ठीक है। सिंपल इसको मैं सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे ही सर्च करता हूँ यहाँ पे देख सकते हो ये सारे गेमिंग म्यूजिक है, ठीक है, इसको आप लोग अपने वीडियोस में यूज कर सकते हो। एक सॉन्ग को यहाँ पे मैं प्ले करके सुना देता हूँ आप लोग को, ठीक है। इस तरीके के बहुत सारे म्यूजिक्स हैं जिनको मैं आप लोगों को बता सकता हूँ और यहाँ पे आप लोग इस म्यूजिक को यूज करते हो तो कोई भी लाइफ टाइम में मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ। अगर आप लोगों को इस म्यूजिक को अगर आप लोग यूज करते हो अपने वीडियोस में, अगर कॉपीराइट क्लेम देखने को मिलता है तो मैं मेरे चैनल को जो है अभी आप लोग अनसब्सक्राइब कर दो, ठीक है। अगर आप लोग इसको अगर यूज करते हो तो कोई भी कॉपीराइट आप लोगों को लाइफ टाइम देखने को नहीं मिलेगा, इतना 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं मैं। सो और भी बहुत सारे क्रिएटर्स बताते हैं कि भाई यूट्यूब से म्यूजिक यूज करो, वहां से म्यूजिक यूज करो, भाई कहीं से भी म्यूजिक यूज नहीं करना, यूट्यूब ये खुद दे रहा है इस म्यूजिक को यूज करो, यहाँ पे कोई भी कॉपीराइट क्लेम वगैरह आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। जो यूट्यूबर बताते हैं कि भाई यूट्यूब से म्यूजिक यूज करो, भाई वो आज नहीं आएगा, भले ही आप लोगों को आज कॉपीराइट क्लेम देखने को नहीं मिलेगा, कल भी नहीं मिलेगा, लेकिन एक या दो साल के बाद वो कॉपीराइट आप लोगों को क्लेम देगा ही, या फिर कोई आपका वीडियो जो है वायरल हो जाती है तब भी आप लोगों को कॉपीराइट देगा, ठीक है।
तो इसलिए आप लोग को यहाँ से म्यूजिक यूज करना है। अगर आप लोगों का वीडियो जो है यहाँ से वायरल भी हो जाती है ना, तो कोई भी कॉपीराइट क्लेम आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा आपके चैनल पर। तो अब बात आती है कि इन म्यूजिक को डाउनलोड कैसे करें और अपने वीडियोस में यूज कैसे करें। अपने वीडियोस में तो आप लोग यूज कर सकते हो, लेकिन उससे पहले जो इम्पोर्टेंट बात है वो है डाउनलोड इस म्यूजिक को कैसे करें। ये सारे जितने भी म्यूजिक है उसको हम लोग डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल इसे आप लोग को थोड़ा सा स्क्रॉल कर देना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने कुछ इस तरीके से जो है ओपन कर लिया है और जूम कर लिया है, ठीक है। सिंपल इसे आप लोगों को क्या करना है, जो भी म्यूजिक को आप लोग डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। जो भी म्यूजिक को अगर आप लोग को डाउनलोड करना है, सिंपल इसे आप लोग को उस म्यूजिक पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इस म्यूजिक पर क्लिक करता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे इस म्यूजिक को डाउनलोड करना है, तो सिंपल इसे मैं इस म्यूजिक पर क्लिक करूंगा, टैप करूंगा एक बार, और यहाँ पे देखो डाउनलोड का जो ऑप्शन है वो आ जाएगा और यहाँ पे डाउनलोडिंग भी हो रहा है। देख सकते हो आप लोग के सामने लाइव कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये म्यूजिक आपके जो है म्यूजिक में ऐड हो जाएगा और आप लोग इसे अपने वीडियोस पर यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मुझे इस म्यूजिक को यूज करना है, ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, यहाँ पे देख रहे हो ये म्यूजिक मुझे यूज करना है। सिंपल से इसमें मैं एक बार टैप कर लूंगा और ये म्यूजिक जो है ऑटोमेटिकली आपके फाइल में जो है वो डाउनलोड हो जाएगा अगर आप लोग इसमें क्लिक कर लेते हो, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड अगेन, ठीक है। इसमें आप लोग जैसे ही क्लिक करते हो वो आप लोग का म्यूजिक जो है डाउनलोड हो जाएगा आपके फाइल में, आपके म्यूजिक में, म्यूजिक एप्लीकेशन जो है उसमें आप लोग का म्यूजिक डाउनलोड हो जाएगा और आप लोग अपने वीडियोस में यूज कर सकते हो। नो कॉपीराइट, कभी भी आप लोगों को कॉपीराइट देखने को नहीं मिलेगा, लाइफ टाइम का गारंटी है। सो आई होप यार आज की इस वीडियो को देखकर आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई फ्री कॉपीराइट म्यूजिक जो है कहाँ पे मिलता है और कहाँ पे नहीं मिलता है, इसको कैसे यूज कर सकते हैं और कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सारा प्रोसेस मैंने ए टू जेड बता दिया आप लोग को और यहाँ से आप लोग डाउनलोड करोगे और अपने वीडियोस में यूज करोगे। आप लोग का वीडियोस अगर बाय चांस कभी भी वायरल भी हो जाती है तब भी आप लोग को कॉपीराइट क्लेम वगैरह देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग किसी भी यूट्यूबर का बात मानते हो, यूट्यूब से म्यूजिक वगैरह डाउनलोड करते हो, तो वहाँ पे आप लोगों को आज भले ही देखने को ना मिले, लेकिन अगले एक या दो साल में आपको जो है कॉपीराइट क्लेम देखने को मिलेगा, ठीक है, और आपको उसका सामना भी करना पड़ेगा। सो इससे अच्छा है कि भाई आप लोग नो कॉपीराइट वगैरह यूज करो, जो यूट्यूब दे रहा है उसी म्यूजिक को यूज करो, ठीक है। सो आई होप यार मिलते हैं बहुत ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आज का वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।